नमस्कार, आर्जावर टीवी में आपका स्वागत है। विगत 29 एवं 30 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के तत्वाधान में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कंप्लीट स्टडी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड सिनेमा विषय पर आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न विश्वविद्यालयों के फिल्मों से जुड़े विशेषज्ञों ने फिल्मों के विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें विभिन्न अतिथियों ने दीप प्रज्वलित की। दीप प्रज्वलन के बाद डॉक्टर रूपलेखा खुल्लर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी ने कार्यक्रम एवं अतिथियों के विषय में जानकारी प्रदान की। IIT दिल्ली के प्रोफेसर सलील बी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्मों का अपना इतिहास रहा है, यह हमारे जानने की जिज्ञासा को भी शांत करता है। उन्हें फिल्मों के इतिहास एवं उद्भव के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण किसी भी युग में एक चैलेंज रहा है फिल्म निर्माताओं के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एवं फिल्म समीक्षक श्रीमती बानी सुब्रमण्यन ने जेंडर एंड द सिनेमेटिक स्पेस के विषय पर बताते हुए कहा कि फिल्मों एवं धारावाहिकों में परिवारवाद एवं समाज का काफ़ी प्रभाव रहा है। आरंभिक दौर में की फिल्में अधिकतर परिवार एवं समाज को दिशा देने के लिए ही बनाई जाती थी, साथ ही कई फिल्मों में देशभक्ति की भी कहानियां प्रदर्शित की जाती थी, लेकिन आज इसका पूर्णतः अभाव दिख रहा है। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति पाल ने फिल्मों में विलेन की भूमिका प्रकाश डालते हुए कहा कि आज ही नहीं वरन पुराने समय से ही फिल्मों का युवाओं पर काफ़ी प्रभाव रहा है। फिल्मों में अभिनेता द्वारा पहने जाने वाले कपड़े एवं स्टाइल की युवा कॉपी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों में रंग भरने में विलेन की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है और विलेन भी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विभूति दुग्गल ने फिल्म उद्योग में सेंसर बोर्ड एवं कानूनी पहलू पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड एवं कानून द्वारा फिल्मों में संगीत एवं दृश्यों को दिखाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने फिल्मों के गानों को प्रसिद्धि दिलाने में रेडियो की भूमिका प्रकाश डाला। डॉक्टर जयंती पी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जानकी देवी कॉलेज ने पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सिनेमा विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्मों से समाज में भी परिवर्तन हो सकता है। फिल्म शिक्षा समाज युवाओं को नई दिशा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि समाज को सही दिशा प्रदान करने वाली फिल्मों का निर्माण होना आवश्यक है। उन्होंने फिल्मों के बदलते दौर पर भी प्रकाश डाला। सेमिनार के दूसरे दिन सुश्री अंदना कपूर एवं फिल्म एंड आर्ट डायरेक्टर जामिया मिलिया इस्लामिया ने वर्तमान फिल्मों के परिदृश्यों पर चर्चा करते हुए फिल्मों के होने वाले प्रभाव एवं इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। फिल्म निर्माता एवं लेखक श्री सुदीप्तो सेन ने कहा कि आज के फिल्मों में कुछ क्रिएटिविटी नहीं रह गया है। आज अधिकांशतः फिल्में विदेशी फिल्मों से प्रभावित व काफ़ी कॉपी की होती है। उन्होंने कहा कि हमने संपूर्ण देश को भाषा, विज्ञान, गणित, कला में बहुत कुछ दिया है और इसका संपूर्ण विश्व कायल है, लेकिन हम आज हॉलीवुड का नकल करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं, जबकि हम अपनी कला एवं संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य वक्ताओं में सुश्री महिमा आनंद, डॉक्टर सौम्यवत चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी फिल्मों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के फिलोसफी डिपार्टमेंट के छात्राओं अथीरा एस नायक, करुणा झा, गौतमी जानी, रुचिका सावरिया, छवि जोशी एवं सुरभि सिंह द्वारा रिव्यूइंग फिल्म ऑन गांधी विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें गांधी जी के पर आधारित फिल्मों के बारे में प्रस्तुति प्रदत्त की गई।